जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता लगातार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, वहां पर फिलहाल क्या हलचल है? और अगर राकेश टिकैत हो तो जरा बातचीत करवा दीजिए, नहीं तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सुमागर, पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। दरअसल हम जो है सिंगू बॉर्डर से राकेश टिकैत के साथ आ रहे थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस के इंतजाम हैं ये बैरिकेडिंग के उस तरफ मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो पहले लोग मौजूद थे वो अलग, लेकिन अभी जो आए उनको आगे अंदर जाने दे। राकेश टिकैत जो अंदर चले गए हैं, अब वो रणनीति बना रहे हैं। सारे जो भी किसान जो 200 लोग आए हैं मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या करना है। एक तरीके से आज रैकी करने वो आए हैं, जो उन्होंने हमसे कहा कि आज रैकी कर रहे हैं और पूरा देखेंगे कहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या मंच लगाया जा सकता है या किस तरह से विरोध को वो अपने को दर्ज कराए, तमाम चीज़ों को तय करेंगे और उसके बाद कल से सही रूप में तो क्या जो 200 किसान है सभी के जैसे कहा गया था कि आईडी कार्ड बनवाए जाएंगे उनको दिखाकर वैसे ही एंट्री हो रही है, प्रक्रिया वही है जो बताई गई थी, या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस की तरफ से कहा गया था कि सबकी शनाख्त की जाएगी, चेक किया जाएगा और संख्या गिनी जाएगी, वो सारे काम जो हैं जब दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया तो वहाँ पर जो अंबर रिजॉर्ट था वहाँ पर सारे जो बस को अंदर ले जाया गया, एक एक जो लोग जा रहे थे सबको गिना गया कि वाकई जो निश्चित संख्या है 200 वही है, और जिन लोगों को संयुक्त मोर्चा की तरफ से चिन्हित किया गया वही लोग हैं, वो सारी प्रक्रिया हो चुकी है। उसके बाद मुझे ये बताइए, पिछले 8 महीने से लगातार किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, बॉर्डर एरियाज में किसान जमे हुए हैं, वहां पर बैठकर चर्चा भी होती है, मंत्रणा भी होती है, फिर जंतर मंतर पर ये किसान संसद लगाकर चर्चा कराने के पीछे वजह क्या है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हाथ हिला रहे हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। जितेंद्र बताएं। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की अब बस धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, तीसरी बस एक और यहाँ पहुंची है किसानों को लेकर। हाँ। और ये देखिए बड़ी संख्या में आपको ठीक मेरे सामने यहाँ पर कुछ किसान दिखाई देंगे जो कि हाथों में अपने अपने संगठन का फ्लैग लिए हुए। और ये देखिए दूसरी तरफ एक और बस इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंची है, और खास बात यह है कि सभी को बाकायदा बैचेस दिए गए हैं ताकि जो 200 किसानों की गिनती है वो पूरी हो सके, यानी कि 200 से 201 भी नहीं, सिर्फ 200 किसानों को इजाजत दी गई है जिनको बाकायदा बैचेस यहाँ पर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। और उसके अलावा ये देखिए किस तरीके से जो तमाम किसान हैं वो ठीक सामने आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, और उनकी कोशिश है कि वो मीडिया के पास आए, मीडिया से बातें करें, लेकिन पुलिस मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही है। और ये देखिए किस तरीके से जो किसान नेता है वो मीडिया के पास पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और साथ ही ये देखिए किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद यहाँ किसानों की जो पैरेलल। जितेंद्र शर्मा, थोड़ी देर पहले हमें योगेंद्र यादव भी नजर आ रहे थे, तो क्या बैरिकेडिंग के उस पार से उन्हें भी लौटा दिया गया है, केवल वही 200 लोग हैं? जी नहीं, देखिए जो योगेंद्र यादव है वो उन 200 लोगों में शामिल है, योगेंद्र यादव बाकायदा अंदर मौजूद है जहाँ पर किसानों की ये संसद चलनी है। ठीक सामने देखिए किस तरीके से मेटल डिटेक्टर वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, और जितने भी किसान नेता हैं जो इस संसद में शामिल होंगे हिस्सा लेंगे वो तमाम उन तमाम किसानों को इन मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये देखिए किस तरीके से दूसरी तस्वीर जो तमाम किसान नेता है वो इस वक्त अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।